आज का काम है यहाँ सगोड़े में खुदाई करनी, थोड़ा राई बोनी है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लास थी, फिर नाश्ता बनाना, गौशाला का काम, तो खेत में आने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। अभी एक घंटा है मेरे पास, एक घंटे में मैंने थोड़ा खुदाई कर लूँगी। ये देखिए मैंने इतनी खुदाई कर दी है और मैं यहाँ पे बोऊंगी राई। दिन के 11 बज गए हैं और मुझे बनाना है खाना। खाने में साग क्या बनाऊंगी वो तो घर ही जाके पता करना पड़ेगा। तो चलती हूँ घर किचन में और आपको भी बताऊंगी आज दिन के खाने में कौन सा साग बनेगा। तो चलिए फिर। देखिए राहुल भाई ने चूल्हे में आग जला दी है और कुछ रख दिया है। राहुल भाई क्या है उसपे? इसमें चावल रखे हुए। दाल क्या बनाओगे? दाल अभी बनाएंगे अभी। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं हूँ उर्वशी गैरोला और आज मैं बनाऊंगी दिन के खाने में कफली भात। कफली कैसे बनाते हैं? जो हरी सब्जियां होती हैं उनसे बनने वाला साग को कफली बोलते हैं, लेकिन मैं कद्दू की पत्तियों से जो कफली बनता है उसको बनाऊंगी। कद्दू मतलब हमारे घर में कद्दू को खीर भजा, खीर केंडा बहुत नामों से जाना जाता है। तो जो उसकी नाजुक नाजुक पत्तियां हैं, मुलायम मुलायम पत्तियां, उनसे बनता है। वैसे तो पहाड़ों में सभी लोग बनाते हैं कफली भात, लेकिन मैं किस तरह से बनाती हूँ वो आप भी देखिए। कद्दू की जो ये बेल है, इसकी जो कोमल कोमल पत्तियां हैं उनको हम निकालेंगे। तो ले आई हूं मैं कद्दू की पत्ती, इसको सोंदा बोलते हैं गढ़वाल में, और अब बनाऊंगी। चलती हूँ किचन में। जो ये पत्तियां हैं पहले इससे ये जो रेशे हैं इनको निकालेंगे और ऐसे करके ये देखिए ये रेशे, अगर इनको ऐसे ही छोड़ेंगे तो ये पीसने में दिक्कत होगी और जो धपली है वो मुलायम नहीं होगी। पहले इसको धोएंगे, फिर थोड़ा काट के और बॉईल करेंगे। चलो आपको दिखाती हूँ। इसको कुकर में डाल के बॉईल करेंगे। अब इसमें आधा गिलास पानी डालूंगी मैं और इसमें ढक्कन मार के और एक सीटी में बॉईल हो जाएगा, फिर उसके बाद पीसूंगी इसको। धपली में चावल पीस के डालूंगी क्योंकि धपली को गाढ़ा बनाने के लिए चावल आटा डालते हैं, लेकिन मैं चावल ही डालूंगी क्योंकि चावल का पेस्ट अच्छा होता है। तो इसको थोड़ा गर्म पानी में भिगो के उसके बाद पीसेंगे। इसको एक दो मिनट भिगा के रखूंगी और उसके बाद इसको पीस दूंगी। देखती हूँ ये चावल भीगे कि नहीं भीगे, भीग चुके हैं और अब इनको पीसूंगी। ये देखिए मैंने चावल पीस दिए हैं और ये पत्ती बॉयल हो गई है, अब इसको पीसूंगी। ये पत्तियां पीस दी हैं मैंने, अब मैं मसाले पीसूंगी। ये है लाल मिर्च, हरी मिर्च, हल्दी, धनिया और लहसुन। अब इनको पीस के पेस्ट बनाएंगे। ये छिलका निकाल दूंगी इसका। तेल गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे जीरा।
एक दो मिनट तक इसको पकने देंगे, उसके बाद इसको इसमें डाल देंगे। देखिए पेस्ट कितना गाढ़ा हो गया है। अब इसमें इसको डाल देंगे। एक दो मिनट तक इस पेस्ट को भी पकने देंगे, उसके बाद इसमें पानी को मिला देंगे। मसाले तो सारे डाल दिए हैं इसमें, बस नमक है जो अब डालेंगे इसमें। लोहे की कढ़ाई पे कपली बनाने का अंदाजित है, टेस्टी भी होती है, आयरन की भी अच्छी मात्रा। कपली तैयार होने वाली है, अब इसको उबलने में जितना टाइम लगेगा बस उसके बाद तो बस खाना ही है हमें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, पहाड़ी व्यंजन कपली भात? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।